हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में दो तरीकों से कैश रिसीविंग के बारे में बात करेंगे। तो यहां से टैली प्राइम को ओपन किया है मैंने, यहां पर पहले से कंपनी बनी हुई है लेकिन हमें क्या करना है, नई कंपनी बनानी है। तो हमें F3 शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी नई कंपनी बनाने के लिए। यहाँ पर जैसे ही F3 प्रेस करते हैं तो आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज नजर आती है। अब इन चारों ऑप्शंस का अपना अलग अलग मतलब है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी, अगर आप डायरेक्ट कंपनी बनाना चाहते हैं तो सिर्फ सी प्रेस कर दीजिए। अगर आप अल्टर करना चाहते हैं यानी कंपनी में बने हुए कंपनी में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अल्टर कंपनी पर जाना चाहिए। अगर आप कंपनी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं और उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कंपनी पर जा सकते हैं और किसी भी कंपनी को बंद करने के लिए आप शट कंपनी पर जा सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ये क्रिएट कंपनी वाला फॉर्म खुल जाता है और यहाँ पर कंपनी का नाम आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ दशाइन इन कंपनी, ये लिख दिया मैंने दशाइन इन कंपनी। तो इस तरीके से आप जो भी कंपनी का नाम हो वो दे दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो अब ये दशाइन इन कंपनी हो गया, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर आइए, स्टेट सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है क्योंकि GST का चक्कर होगा तो स्टेट तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। पिन कोड डाल दीजिए यहाँ पे, तो ये पिन कोड मैंने डाल दिया, एंटर प्रेस करके और ये सारी डिटेल आप फिल करिएगा। और फिर यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का चक्कर आता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, तो पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे 1/4/2020 डाल देते हैं हम, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 1/4/2020 से काम भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये कंपनी तो आपकी बन जाएगी और कंपनी बनने के बाद जब आप एंट्री पास करेंगे उस समय आपको दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत क्या होगी अभी उसके बारे में बात करते हैं हम, पहले हम GST को इनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसको वाई प्रेस करके एंटर प्रेस कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पे आइए और फिर यहाँ रेगुलर हम GST फाइल करेंगे। यहाँ पर आपको GSTIN नंबर डालना है, तो यहाँ पर अपना GSTIN नंबर जो भी आपको मिला हो वो आप डाल सकते हैं, एंटर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर मंथली GST फाइल करेंगे हम। यहाँ पर आप सेट अल्टर GST डिटेल को यस कर दीजिए, वाई प्रेस कर देंगे तो ये यस हो जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और HSN/SSC कोड आप डाल सकते हैं। फिलहाल इसको छोड़ता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे तीन चीजें आपको दिखती है, तीनों का मतलब आपको पता है ही, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और टैक्सेबल। टैक्सेबल का मतलब ये होता है जिस पर टैक्स लगे, जिन गुड्स पे टैक्स लगता है उन्हें हम टैक्सेबल के कैटेगरी में रखते हैं। जिन पर टैक्स तो लगता है लेकिन 0% लगता है उसे हम नील रेटेड में रखते हैं, और जिन पर GST नहीं लगता, GST लॉ के बाहर है उन्हें हम एग्जेम्प्टेड में रखते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे टैक्सेबल रखना है, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे 18% बाय डिफॉल्ट GST लगा देता हूँ। इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि अगर आप अपने राज्य के बाहर माल खरीद या बिक्री का काम करते हैं तो उस समय इंटीग्रेटेड टैक्स अलाउ होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स, तो ये दोनों तब अलाउ होता है जब आप सेम स्टेट में माल बेचने या खरीदने का काम कर रहे हैं। ठीक है, सेस की बात बाद में, अभी यहाँ पर आते हैं। ईवे बिल को नो रखता हूँ, यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल ए कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये GST भी इनेबल हो गया है हमारा, और कुछ इस तरीके से। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो बता देता हूँ। देखिए जैसे ही आप एंट्री पास करेंगे, सीधा कंपनी बनाने के बाद हम परचेज में एंट्री पास नहीं कर सकते, ये बात मैंने पहले बताई है। तो चलिए एक बार परचेज में एंट्री पास करके देख भी लेते हैं। तो यहाँ से F9 प्रेस करना है आपको परचेज वाउचर में आने के लिए, और यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर वाली दिक्कत आएगी, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2021, जबकि हमने रखा था 2020, 1 अप्रैल 2020 रखा था, तो ये प्रॉब्लम है। और Alt के साथ F2 प्रेस कीजिए, यहाँ पर चेंज कर लीजिए फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे कर दीजिए 1/4/2020 से 31/3/2021 कर दीजिएगा, 31/3/2021। ठीक है, तो ये हो गया, एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर आप डेट चेंज कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आपका फाइनेंशियल ईयर आसानी के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 2020 करना है, एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर आ रहा है कैश। ठीक है, अब कैश का क्या है, अगर आप यहाँ पर कोई पार्टी बनाते हैं, देखिए पार्टी का नाम लेंगे तो आपको पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम पहले एंट्री पास करेंगे परचेज वाउचर में, तो आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, अगर आप कुछ खरीदते हैं तो पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पार्टी का नाम बना लेते हैं, लाइक मैं बना लेता हूँ गौरव, तो ये लिख दिया मैंने गौरव, और यहाँ पर एंटर प्रेस किया। ये गौरव हमारी क्रेडिटर पार्टी है, ध्यान दीजिएगा ये हमारी सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी है, तो इसे सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में डाल देंगे। तो ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर आ गया, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करते हुए इसे करा लीजिए एक्सेप्ट। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट कराइए, ये एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको इनका GST IN नंबर जो भी है वो आप डाल दीजिए,
यहां पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये जीएसटी आई एन नंबर पड़ गया, अब यहां पे परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। तो ये लिख लिया हमने परचेज और फिर यहां कर दिया अकाउंट, ठीक है। यहां पे ये कर दिया हमने एंटर प्रेस करेंगे और यहां परचेज अकाउंट डाल देंगे, ठीक है। इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पहली एंट्री रिसिप्ट वाउचर में पास करनी है, जी हां बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप रिसिप्ट वाउचर में नहीं पास करते तो क्या दिक्कत आएगी और उसके अलावा क्या सॉल्यूशन है इसका, वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए यहां पर कर देते हैं लाइक कीबोर्ड कर देते हैं। तो ये लिख दिया कीबोर्ड, यहां पे कर दिया कीबोर्ड, एंटर प्रेस किया। यहां पर यूनिट बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर मेरा डायरेक्ट जो है कॉस्ट पे चला जा रहा है, हमारा कर्सर यूनिट पे आ नहीं रहा है। तो यूनिट बनाएंगे तब यूनिट पे जाएगा। तो यहां से क्रिएट कर दीजिए यूनिट, यहां पे मैं कर देता हूं एनओएस, सिंबल कर देता हूं एनओएस, और यहां कर देता हूं फॉर्मल नेम नंबर्स, ठीक है। और यहां पर आपको यूक्यूसी कोड मिल जाएगा, तो एन प्रेस करते ही एनओएस नंबर्स मिल जाएगा आपको। और यहां पर एंटर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो हम होल नंबर्स में ही इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेंगे। ये हो गया कीबोर्ड, यहां पे 60 कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। एक कीबोर्ड की खरीद रेट ₹100, ये हो गया। यहां पर जीएसटी लगाएंगे, तो यहां कर देता हूं सी जीएसटी, एंटर प्रेस करता हूं, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहां से कर लीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये हो गया। ये जीएसटी कर दिया हमने, सेंट्रल टैक्स है, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर कर दीजिए नॉर्मल राउंडिंग, और नॉर्मल राउंडिंग करने के बाद एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए और एंटर प्रेस करिए। तो यहां पे देखेंगे तो जीएसटी भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद चूंकि सेम स्टेट की बात है तो एसजीएसटी भी हमें लगाना होगा, तो ये एसजीएसटी कर दीजिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रहेगा, जीएसटी ही है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, बहुत इजीली आप काम करेंगे और बहुत ही टैली बहुत अब इजी हो गया, पहले के जैसा नहीं रहा, तो ये एकदम आसानी से हो जाएगा। तो देखिए ये भी कैलकुलेट हो गया। अब ये कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लेते हैं हम सीधा सीधा। अभी देखिए यहां पर ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, ये लिखा हुआ है द डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड, ठीक है। हमने क्या डाला है यहां पर, 1 अप्रैल 2020 तो कर दिया था, लेकिन यहां पर 1 अप्रैल 2021 ही शो कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, F2 प्रेस करना है और यहां पे कर देना है 1/4/2020, बस इतना कर देंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये कंट्रोल ए प्रेस करिएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, आप चाहे तो नरेशन भी डाल सकते हैं। अब देखिए जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट करने के बाद इसके पेमेंट की बारी है। देखिए परचेस करेंगे तो पेमेंट करेंगे, ये बात याद रखिएगा, जब भी आप परचेस करेंगे तो पेमेंट करेंगे, अगर आप कैश में नहीं कर रहे हैं तो। तो अभी देखेंगे यहां पे चलेंगे वाउचर में वापस से और यहां पर आ जाएंगे पेमेंट वाउचर में। तो F5 प्रेस करना है आपको शॉर्टकट की पेमेंट वाउचर के लिए। आ जाइए पेमेंट वाउचर में, यहां पे आ रहा है डेबिट। हमारी क्रेडिटर पार्टी का नाम क्या था, गौरव था। अगर कोई और भी क्रेडिटर पार्टी है तो उसका भी नाम आप दे सकते हैं, तो यहां पे गौरव कर लीजिए। अब देखिए यहां पे बकाया इनका दिखा रहा है, देख सकते हैं बकाया दिखा रहा है। अब जैसे ही आप इनका बकाया देने की कोशिश करेंगे तो आप पेपर पे तो एंट्री पास कर रहे हैं, रियल में अगर आपके पास कैश होगा तो कैश शो करना चाहिए आपके पास, ठीक है। कितना भी पैसा, जैसे मान लीजिए 7,080 रुपया है, अगर आप 7,000 भी देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव कैसे आएगा, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस तो ये आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्रेडिट आएगा, तो कैश में देने की कोशिश करेंगे आप तो यहाँ पर आपको वार्निंग आएगी। देखिए ये वार्निंग है और यहाँ पे ये रेड में आ जाएगा। देखिए वार्निंग कह रहा है नेगेटिव कैश -7,000, यानी आपके पास कैश नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करा लीजिए, जो अन्य वीडियोस में मैंने बताया है, ठीक है। पहले ही रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करा लीजिए ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो चिंता की बात नहीं है, एक और तरीका बताता हूं। देखिए कैश का लेजर कभी भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप सीधा कहां चले जाइए, अल्टर पे चले जाइए। ये अल्टर पे आ गए, अब इसमें आपको लेजर्स में जाना है तो ये लेजर्स में आ गए। और यहां पर देखिए कैश का लेजर बनाया नहीं मैंने, पहले से बना हुआ है, तो यहां पर आ जाइए। और जब आएंगे एंटर प्रेस करिए और यहां पर आएंगे ओपनिंग बैलेंस, देख रहा है ओपनिंग बैलेंस, तो यहां पे ओपनिंग बैलेंस आप डाल दीजिए। ओपनिंग बैलेंस डालिए, तो ये ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया 10,000 रुपए, ठीक है। अब ये यहां पर देखिए ऊपर शो कर रहा है टोटल ओपनिंग बैलेंस 10,000, ठीक है। और यहां कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, काम हो गया आपका। अब बाहर आइए, आप उसी का पेमेंट करते हैं, देखते हैं अब नेगेटिव कैश आता है या नहीं। तो गौरव पार्टी थी, ठीक है, ये हो गया, लगा दिया हमने। अब यहां पर पूरा पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, 7,080 रुपए इनको पूरा दे देते हैं, या 7,000 ही देके दिखाता हूं पहले, ठीक है, 80 रुपया भी छोड़ते हैं। ये हो गया, अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, सेम बिल नंबर आ गया, यहाँ पे एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आए। अब कैश करिए, ये कैश हो गया। यहाँ पर देखिए कोई भी नेगेटिव कैश की वार्निंग या मैसेज आपको नहीं आया, ना तो ये कैश रेड में शो कर रहा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बता रहा है कि करंट बैलेंस आपका 3,000 रुपया और बचा हुआ है, आपको अगर और पेमेंट करना हो तो 3,000 रुपया और भी कहीं यूज कर सकते हैं, ये चीज है, ठीक है।
आई होप कि ये बात कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। देखिए अगर आप रिसीव करा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3000 कैश आपके पास था, अगर आप रिसिप्ट वाउचर में जाते हैं यहाँ से और यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, तो अगर कंपनी में यूज किए जाने वाला पैसा रुपया जो है कैपिटल कहलाता है, तो यहाँ आप कैपिटल अकाउंट का लेजर बना दीजिए। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है जबकि आप रिसीव करा रहे होते हैं, तो ये जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट। तो ये देखिए कैपिटल अकाउंट का लेजर पहले से यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लेजर को हम कैपिटल अकाउंट के ही ग्रुप में डालेंगे। अगर मालिक का नाम लिखना है कि ये किस कौन कैपिटल लगा रहा है, तो यहाँ पे नेम में दे सकते हैं। एंटरप्रेस कर दीजिएगा, फिलहाल छोड़ देता हूँ इसको, एंटरप्रेस करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। तो ये हो गया एक्सेप्ट। अब यहाँ पे कैपिटल आपको डालना है, तो 10,000 और दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए 10,000 दे दिया, तो अब टोटल जो इनका होगा वो 13,000 शो करेगा। देखिए यहाँ पे आए, यहाँ पे कैश कर दिया हमने। ठीक है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, ऐसे मान लीजिए बी प्रेस किया यहाँ पे और यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये आ गए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, परचेज वाउचर में चलता हूँ, तो ये आ गया परचेज वाउचर में। यहाँ पे सप्लायर का कुछ इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, और यहाँ पर मान लीजिए गौरव ही पार्टी है, तो ये पार्टी जो है कुछ और परचेजिंग करेंगे ये, तो यहाँ पर आए और यहाँ पे डाल दिया परचेज अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर परचेज ऑर्डर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम वापिस से कर देते हैं एलईडी टीवी कर देते हैं, तो ये कर दिया एलईडी टीवी, तो ये एलईडी टीवी कर दिया, और यहाँ पे एनओएस कर देते हैं यूनिट में। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से करके इसको एक्सेप्ट कराइए। यहाँ पर मान लीजिए ये एक एलईडी टीवी खरीद रहे हैं, ठीक है, जिसकी कीमत है 12,000 रुपए। अब टोटल तो हमने 10,000 रिसीव कराया था, लेकिन पहले का है 3,000 और, तो यहाँ पे 12,000 कर दिया हमने, और यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी लगाना है लगा दीजिए, एसजीएसटी अब बचा हुआ है तो ये एसजीएसटी कर देते हैं, तो ये हो गया, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप। ठीक है, बिल नंबर देख लिया। अब यहाँ से वापिस चलते हैं कहाँ, सीधा चलते हैं पेमेंट वाउचर में। तो ये आ गया पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर में जैसे ही आएंगे आप, तो आपको दिखाई पड़ेगा गौरव, क्योंकि यही वो क्रेडिटर पार्टी है। डेबिट में देखिए 14,240 रुपए इनके ऊपर टोटल बैलेंस है, तो अगर मैं 14,240 रुपए इनको देने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। ठीक, अब ये दूसरा वाला हो गया, दोनों ही क्लियर हो गया। अब देखिए कुल मिलाकर के कितना इनका बैलेंस कम हो रहा है, 1240 रुपए। देखिए 14,160 रुपए कुल इनको देना है, ठीक है, 14,240 रुपए, लेकिन कितना कम पड़ रहा है, 1,240 रुपए कम पड़ रहा है। तो अगर आप वापिस से चलते हैं, देखिए वापिस से चलिए और वापिस से कैश लेजर में आते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आ गए, ये लेजर में आए, लेजर में आने के बाद आपको आना है कैश में, कैश में आ गए, और फिर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल दीजिए। ये 10,000 है, इसको 10,000 के बजाय 12,000 कर देता हूँ मैं, या 13,000 कर देता हूँ, तो ये ओपनिंग बैलेंस 13,000 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 13,000 कर दिया, और बाकी का जो मैंने रिसीव कराया था वो सब तो है ही है। ठीक है, तो ये एंटरप्रेस कर दीजिए। अब आइए पेमेंट करिए, देखिए क्या होता है। यहाँ पे आते हैं, वाउचर में आते हैं, और अब पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आ गए, और यहाँ पे गौरव कर दिया हमने, और यहाँ पे देखिए 14,240 रुपए है। तो अब अगर पेमेंट करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर कोई भी मैसेज हमें शो नहीं करेगा, ये बहुत ईजी है, देख लीजिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, तो पूरी टैली आप चला ले जाएंगे। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो से आपका काम जरूर आसान हो जाएगा। जो भी आपको देखना है, यहाँ पे डी प्रेस कीजिए दो बार, और डी प्रेस करके यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे सारी एंट्रीज आप देख सकते हैं। जैसे पेमेंट किया, इसका प्रिंट निकालना है तो ऑल्ट के साथ पी, ये सब तो पहले ही बताया है मैंने। यहाँ पे आई बटन प्रेस कीजिएगा, तो ये इस तरीके से रिसिप्ट भी आपको दिख जाएगी। ठीक है, देखिए ये पेमेंट का रिसिप्ट है। ठीक है, तो आई होप कि कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।